हेलो टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग है कि मैं आज पूरे दिन में क्या कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे मेरा रूटीन है पूरे 24 घंटे के। जो भी इसमें ब्लॉग में बताऊँगी सब सेम टू सेम वैसे ही करती हूँ मैं। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट से बनाती हूँ मैं रोज़, कभी पोहे, कभी जवे, कभी सैंडविच, दलिया, ये सब बनाती हूँ। पर आज मैं बना रही हूँ सैंडविच बना रही हूँ। ईशिका का जब स्कूल ओपन होती है तो मैं सब साथ में बना देती हूँ इन लोगों के लिए भी। पर अभी ईशिका का क्लोज स्कूल है तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए भी सैंडविच बना रही हूँ, वो भी मेयोनीज़ वाली। मेयोनीज़ वाली इसलिए बनाती हूँ ज़्यादातर कि आपको केचप की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से आप ऐसे ही खा सकते हो। यहाँ पे मैं सैंडविच रेडी कर रही हूँ सब्जी उसका। तो यहाँ पे मैं तवा गरम कर ली हूँ। बहुत लोग कहेंगे कि सैंडविच हमेशा कच्चे ब्रेड होते हैं, पर मेरे यहाँ सब खाते हैं सैंडविच, थोड़ा सा सेक के खाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं घी लगा के, और वो मक्खन भी कभी कभी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे घी लगा कर मैं यहाँ पे शेक का ही करूँगी, सेकूँगी यहाँ पे। तो मेरा ये बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं उस रेडी हो गया है। तो एक प्लेट मेरा भाई का है जो सैंडविच है, और एक प्लेट में सैंडविच और पास्ता है। पास्ता मैं कल बनाई थी शाम को, पर इन्होंने नहीं खाया तो इन्होंने बोला कि आज दे दो। तो ये मेरे भाई का प्लेट है और उनका प्लेट था। तो इन लोगों का नाश्ता होने के बाद मैं बनी का भी नाश्ता देना ज़रूरी है, जो मेरा डॉगी है तो वो भी तो खाएगा ना। तो उसको खाने के बाद उसको खाना मैं देती हूँ रोज़ सुबह में, रोटी देती हूँ, कभी चावल देती हूँ। तो अभी नाश्ता में उसको भी रोटी बन रहा है, रोटी और दूध खाता है वो। और उसका रोटी हमेशा मोटा और बड़ा बनता है, क्योंकि जानवर है तो थोड़ा सा मोटा ही बनेगा, क्योंकि तभी तो पतला बनाओगी तो पता नहीं चलेगा उसको खाना क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए उसके लिए हमेशा रोटी मोटा ही बनता है। तो ये सब करने के बाद मैं आ जाऊंगी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाना की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ, सब्जी वगैरह कटिंग कर दी हूँ मैं। यहाँ पे आलू बना उबाल रही हूँ। आप लोग कमेंट करना कि आप लोग आलू कैसे उबालते हो, कुकर में कि ओवन में। मैं तो कुकर में नहीं उबालती हूँ, मैं तो ऐसे ही ओवन में 15 मिनट का 10 मिनट का टाइमर लगा देती हूँ और ये उबलता रहता है 15 मिनट तक। तो मैं अब फटाफट चले जाऊंगी। हाँ, ये काम वाली आंटी भाभी आ गई है, कि जब भी काम वाली भाभी आती है तो मैं फटाफट रूम में चली जाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा रूम पूरा फैला हुआ रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह में तो मैं उठ जाती हूँ, पर मेरा पति देव सोए रहते हैं। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और मेरा भाई यहाँ पर खड़ा हो गया है। मैं बोली तू हट जा यार कमरे से, तो मैं उसको बोलती हूँ यहाँ पे बनी मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, जब भी मैं जहाँ जाती हूँ पीछे 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 चलाता है, मैं बेटी और मेरे पीछे पीछे चलाता है। यहाँ पे फटाफट मैं बेड शीट सीमेंट लूँगी, झाड़ लूँगी, और ये लोग भी अभी ऑफिस जाने के लिए निकलने पड़े हैं। तो यहाँ पे फटाफट सारा चीज़ें कर लूँगी और मैं बनी को तो अपहार कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होने के बाद मैं इसलिए ये करती हूँ क्योंकि मेरा यही काम है करने का इस टाइम। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगी मैं डस्टिंग करने का। डस्टिंग है रोज़ ना करो तो भाई इतनी मोटी परत जम जाती है ना कि क्या ही बताओ। तो यहाँ पे डस्टिंग रोज़ करना पड़ता है रोज़, क्योंकि मेरा बगल में खिड़की है तो रोज़ रोज़ करना ही पड़ता है मेरे को। तो डस्टिंग कर लेती हूँ मैं, और जितना भी उड़न है मेरे रूम में का सब डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर टीवी पैन का भी, टीवी भी पूरा डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग ना करो ना तो इतनी मोटे मोटे परत जम जाते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं आ जाऊँगी किचन में। यहाँ पे खाना के प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कटहल छान रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, और कोई बेल बजाना स्टार्ट कर दिया तो मैं चली गई हूँ गेट खोलने के लिए। और यहाँ पे एक तरफ है पतीला चढ़ा हुआ चावल का, और एक कढ़ाई जिसमें मैं सब्जी बनाऊँगी। तो मैं लंच और डिनर सॉरी लंच और ब्रेकफास्ट साथ में बना लेती हूँ। मुझे आदत नहीं है कि भाई लंच सॉरी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच बना दो देर के बाद बनाऊँ, नहीं साथ ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में रोटी खाने वाला ज़्यादा संख्या है, क्योंकि एक बनी है, मम्मी जी हैं, मम्मी जी डायबिटीज़ है मम्मी जी को, और ये है ये रोटी खाते हैं, चावल हफ्ते में एक दो बार ही खाते हैं। और मैं यहाँ पे क्या होता है फटाफट आटा सान के, और मेरा सब्जी भी तैयार हो ही गया है।
तो यहाँ पे मेरा सारे के सारे काम निपट गए हैं, दे सकते हो, सब्जी वब्जी सब बन गया, रेडी हो गए हैं। तो अब मैं दूसरे काम में चलती हूँ। अब मैं छत पे जा रही हूँ, मेरा छत पे एक रूम है जो मैं हमेशा उसको सफाई करती हूँ रोज़, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे मेरे भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान जी है, मैं अलग पूजा करती हूँ, छत पे पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैं मुझे रोज़ सफाई करना पड़ता है। ना सफाई करूँ तो भाई गांव में लोग कहते हैं कि बासी रूम में कभी पूजा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं रोज़ यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद पोछा कर लेती हूँ। तो काफ़ी टाइम लग जाते हैं हमको, ये सब करती हूँ 10-10 बज जाते हैं मेरे को। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद, नहा वहा के पूजा जब होने के बाद, मैं यहाँ पे आ गई रोटी बनाने, मम्मी जी की रोटी खाना देने के लिए। तो मैं भी अब फटाफट खाना खाने बैठ गई हूँ, क्योंकि भूख लग जाती है, 11 बज जाती है, सारा काम निपटने में। खाना में है चावल, सब्जी और खीरा। खीरा तो गर्मी का मस्त है भाई। तो ब्लॉग कैसी लगी आप लोग बताना कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपके लिए बाय।